मुरादाबाद में मुंडा पांडे पुलिस ने पकड़ा ऑटो लिफ्टर गिरोह। बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ हाईवे महेश चंद गौतम व थाना अध्यक्ष दीपक मलिक द्वारा की गई प्रेस वार्ता। इस दौरान एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया है कि मुंडा पांडे की पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 बाइक, 2 स्कूटी बरामद की है। उन्होंने बताया है कि आरोपी ऑटो लिफ्टर गिरोह बनाकर मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बागपत समेत अन्य जिलों से वाहन चोरी किया करते थे। मुंडा पांडे पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान खाई खेड़ा निवासी बिन्यामीन, वीरपुर निवासी शादाब, सकटू नगला निवासी बबलू, कटघर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद निवासी सतवीर और जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों से पता चला है कि ये वाहन चोरी कर उन्हें सस्ते दामों में बेचते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की बाइक, स्कूटी और 2 फर्जी नंबर प्लेट, तमंचा व 2 कारतूस, 2 चाकू और 5,000 रुपए की नकदी बरामद की है। ये हमारे यहाँ निरंतर जनपद पुलिस के द्वारा एसएसपी महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ निरंतर जारी हैं। उसी के तहत थाना मुंडा पांडे पुलिस को और सीओ हाईवे इनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है इनको, जिसमें एक वाहन चोरी का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल और 2 चोरी के स्कूटर बरामद हुए हैं। इसके अलावा अवैध तमंचे और चाकू इत्यादि और कुछ कूट रचित वाहनों की नंबर प्लेट, जो चोरी के वाहनों पर ये लगा के चलाया करते थे, वो उसकी बरामदगी हुई है। जो 5 अभियुक्त हैं, जिसमें से एक बिन्यामीन है जो इनके गैंग का प्रमुख सरगना है, ये हिस्ट्री सीटर भी है। इसके साथ में शादाब, सतवीर, बबलू और जितेंद्र, ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये इससे पूर्व थाना मुंडा पांडे से ही एक नकबदनी में 2 अभियुक्त जेल गए थे, जिन्होंने कलुआ और नदीम, जिसमें उनका एक साथी बिन्यामीन भी था जो उनके साथ मिलकर भी ये चोरी की घटना कर रहा था। ये तो ये पूर्व से थाना मुंडा पांडे का वांछित था ये, और इसकी आज गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी में इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो 4 प्रमुख साथी थे, शादाब, सतवीर, बबलू, और इनकी निशानदेही पर जितेंद्र और अन्य लोगों के कब्जे से ये सारे वाहन बरामद हुए हैं। इन लोगों के बारे में जब जानकारी की गई तो जो बिन्यामीन है उस पर पूर्व के वर्षों के लगभग 29 मुकदमे हैं, जिसमें चोरी के, आर्म्स एक्ट के और गैंगस्टर के भी इसके ऊपर मुकदमे हैं। सर, ये बाइकें जो चोरी हुई थी, क्या जनपद मुरादाबाद से ही चोरी की गई अन्य जनपद? ये अभी इस जो मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है, इसमें से एक मोटरसाइकिल तो थाना मुंडा पांडे में 2019 में चोरी हुई थी जो बरामद हुई है। इसके अलावा पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इन्होंने आसपास के जनपदों में बागपत से तक और मुजफ्फरनगर तक इन्होंने चोरियाँ की हैं। तो अभी इनसे और इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा और इनके अन्य साथियों से भी विस्तार से पूछताछ की जाएगी, जिसमें पूरी बात निकलेगी कि इन्होंने कहां कहां कितनी घटनाएं की हैं। अभी ये भी संभावना है कि इसमें और इसके अलावा अन्य और भी वाहन अभी चोरी के बरामद हों। सर, क्या करते थे चोरी के वाहन चलाते थे या? ये लोग चोरी के वाहनों का एक तो रेकी के लिए इस्तेमाल करते थे, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा के। इसके अलावा उनको कबाड़ियों को भी बेचा करते थे जो उनके पुर्जों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही उन वाहनों को जो अच्छी हालत में होते थे उन पर नंबर प्लेट बदल के उनको इस्तेमाल भी कर रहे थे। हाँ, अभी जो पूछताछ में इनसे आया है, 2 साथी इनके पूर्व से जेल में हैं और 5 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा भी अभी जैसा मैंने बताया कि इन सभी की कॉल डिटेल निकाल के और पुलिस स्टेशनरी रिमांड पर लेके इनको इनके विस्तार से इनसे पूछताछ की जाएगी, जिसमें भी और भी घटनाओं के बारे में और इनके अन्य साथियों के विषय में भी और जानकारी की पूर्ण संभावना है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।